हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू खंतवाल और आप देख रहे हैं गार्डन गार्डन। दोस्तों, किसी भी पौधे का एक अच्छा हेल्दी पौधा होना बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, और जिसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पॉटिंग मिक्स। आप जैसा पॉटिंग मिक्स बनाते हो पौधे पे, उसका असर वैसा ही पड़ता है। और उसमें भी दो चीज़ें हैं, एक होता है जब आप पौधे उगाते हो उसके लिए आपको कैसा तैयार करना है अपना पॉटिंग मिक्स, और दूसरा होता है कि जब आपका पौधा ग्रो कर गया आपको गमले के लिए मिट्टी जो तैयार करनी होती है वो कैसी होती है। दोनों में अंतर होता है। और ये अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि आप ना पौधे की लाइफ को अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखिए, सेम सर्कल है। और जो आज मैं आपको बताऊंगी पौध के लिए हम किस तरह से मिक्स तैयार करें, तो उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूंगी कि तब आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जब आप पैदा होने वाले थे उस समय आपकी नानी, आपकी दादी ने आपकी मम्मी को किस तरह का खाना खिलाया। बहुत अच्छा खाना खिलाया होगा इस दौरान। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे और हेल्दी पैदा हों। तो वैसे ही जब हम अपने पौधे के लिए बीज बोते हैं ना, तो हमें हमारी मिट्टी को उसी तरह से हेल्दी बनाना होता है ताकि एक अच्छा स्वस्थ पौधा उससे ग्रो करे, बीज बहुत अच्छे से ग्रो करे। हमारा बीज में अगर थोड़ा सा कमी भी है तो भी हमारे पास जो बाकी चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं वो इतनी हेल्दी होनी चाहिए कि हमारा हर पौधा ग्रो करे। तो ये अंतर है जो हम पौध के लिए अपनी मिट्टी तैयार करते हैं उसमें, और जो हम गमले के लिए तैयार करते हैं। और गमले की मिट्टी को आप उस सेंस में लगाइए कि जैसे हम लोग अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए किस तरह की चीज़ें खाते हैं, किस तरह से हम अपना लाइफस्टाइल रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने जो बड़े पौधे हो जाते हैं उनका ख्याल रखना होता है। तो आज हम शुरू करते हैं, हमें पौध के लिए जब हम अपनी मिट्टी तैयार करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हमें उसे कैसे तैयार करना है, तो शुरू करते हैं। और आपने अगर हमारा वीडियो आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, आपने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इसमें तैयार करेंगे अपना मिक्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल गार्डन की जो मिट्टी होती है वो है। पहले हम इसमें ये डालेंगे। ये आप देख रहे होंगे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ी सी ली है। ये हमारा कोकोपीट, ये कोकोपीट देखिए कितना हल्का है। इसे हम इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारा वो है बीज है वो अच्छे से ग्रो कर सके, मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है ये थोड़ी हार्ड होती है, और हम जिसमें जब इसमें कोकोपीट मिलाते हैं तो ये बहुत भुरभुरी सी हो जाती है। ये है हमारा बर्मी कंपोस्ट, इसे भी हम इसमें मिला देंगे, ठीक है। ये है गोबर की खाद, इसे भी हम मिलाएंगे इसमें। और दोस्तों, ये है मेरे किचन वेस्ट से बनी हुई खाद, जिसे ब्लैक गोल्ड बोलते हैं क्योंकि काले से रंग की। इसे मैंने अपने फ्रूट्स और सब्ज़ी के छिलकों से तैयार किया है, और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी शानदार बनी है। इसे मैंने छान लिया है इसलिए ये इतना आपको फाइन नज़र आ रहा है। इसे भी हम मिला देंगे, ये भी पौधों के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। अब इस पूरे मिक्स को हम आपस में मिलाएंगे। ये पूरी तरह से बेहद हेल्दी मिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसमें हम इतनी अलग अलग तरह की खाद हमने डाली है और हर वो चीज़ डाली है जो हमारे पौधे को ग्रो करने में, उसे हेल्दी बनाने में मदद करेगी। तो अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए, हाथ से मिला लीजिए या खुरपी से, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है इसलिए मैं इसे हाथ से मिला रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स ये हमारा हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम अपने पॉट में कैसे भरना है हमें और कितना भरना है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस मिश्रण को यहाँ रखेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको अपनी सीडलिंग ट्रे का वीडियो, प्रो ट्रे का वीडियो शेयर किया था आपसे, और इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, और आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब भी दूंगी। तो आज मैं इसमें भरूंगी, और जिसने हमारा ये वीडियो नहीं देखा मैं नीचे लिंक दे दूंगी, वो देख सकता है हमारा प्रो ट्रे वाला। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा जो हमारा ये मिक्स हमने तैयार किया है इसको भरेंगे।
अब ये जो मैंने भरा है, जल्दी ही मैं इसमें आपको अपने बीज भी डालकर दिखाऊंगी अगले वीडियो में, और फिर आप देखेंगे इसका कमाल, इसका रिजल्ट्स जब हमारे अगले वीडियो बनेंगे। थोड़ा थोड़ा और डाल देते हैं। ठीक है, एक मैं इसमें आपको डाल के दिखाती हूँ। अगर आपको, आपके पास ये नहीं है तो इस तरह के तो आप यूज़ करते ही होंगे अपनी पौध उगाने के लिए, तो बाकी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, इसको इसमें डाल देती हूँ। इसमें भी हमें इतना ही रहने देना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भरना। तो ये हमारा तैयार हो गया, बाकी ये मेरा इसमें आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप जब भी अपनी पौध तैयार करने के लिए मिक्स बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपको इसमें मिट्टी की मात्रा कम लेनी है, और बाकी अलग अलग तरह की जो हमारी खाद आपके पास उपलब्ध है उसको आपको ज़्यादा मात्रा में लेना है। एक हेल्दी मिक्स आपको तैयार करना है ताकि आपके छोटे छोटे पौधे जो हों बहुत हेल्दी पैदा हों। थैंक यू वेरी मच।